यानी पाकिस्तान मुश्किल वक्त में घबरा नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल पैदा करने वालों को अगर मैं कहूं कि भरपूर जवाब दे रहा है तो बिल्कुल सही है, भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अच्छा, सो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को, वजह यह है कि इंडिया का असर रसूख आईसीसी के अंदर इतना है कि वो अपने फैसले बनवा लेता है। है थार से प्यार तो ईपीएल खेलो मेरे यार, लेकिन कैसे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। चाहते ही नहीं, अगर इंडिया में हमारे प्लेयर चाह के खेले आईपीएल तो उनके प्लेयरों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज क्या 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 बोला, तो उनके प्लेयरों की वैल्यू खत्म हो जाएगी आज। कि जब पीएसएल होती है तब यही बैन अल-कौमी खिलाड़ी उसमें बड़े शौक से शामिल हो जाते हैं, और उस वक्त इन्हें कोई सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं होता, इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई खतरा महसूस नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता, जरा सोचिए, क्योंकि इन्हें डॉलर नजर आ रहे होते। आज इन कंगले पाकिस्तानियों के पास में आटा तक लेने के पैसे नहीं है। और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे। अच्छा, 2009 में उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर उड़ान नहीं चढ़ने दी, मगर कब तक रोके, दुनिया की सारी टीमें हमारे मुल्क में आई हैं। साजिद साहब, कभी कभी वो वक्त आएगा कि इजारादारी भारत की खत्म होगी। नहीं, उन्होंने बकायदा दो टोक अंदाज में बताया कि जी अगर हमें इसी तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। सही कहते हैं। जो यकीनी तौर पर इंडिया में जो आईसीसी का इवेंट है, और आईसीसी इवेंट से हम बाइकआउट नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट है उनको बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। आईपीएल जुआ लीग, जुटाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुटाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं। मौके पर धोखा देकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बकायदा कोशिश की कि अब हम भी वहां तक हमारा फायदा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो भैया अभी पाकिस्तानियों के लिए एशिया कप ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। क्यों, वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लो आप। ठीक है जी, आप बात कर लेते हैं थार की कि कैसे जीतेंगे। बताना। मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में एक इलो एप्लीकेशन का लिंक पिन कर दिया। सबसे पहले तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। मैच चाहे दिन का हो, मैच चाहे रात का हो, यहाँ पर इलो ऐप के एक्सपर्ट्स अपनी लाइव कमेंट्री कर रहे होते हैं, और आपको बस लाइव कमेंट्री के दौरान ही अपनी प्रेडिक्शन देनी होगी कि अगली गेंद पे क्या होगा, चौका लगेगा कि छक्का लगेगा कि बल्लेबाज आउट होगा। और आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई तो आपको मिलेंगे पॉइंट्स, और अगर आपके पास 100 पॉइंट हुए तो आपको मिलेगी टिकट, और सप्ताह के अंत में जिस भी खिलाड़ी के पास सबसे ज्यादा टिकट हुई उसे मिल सकती है महिंद्रा थार। है ना कमाल की बात। और एक और कमाल की बात में ये एप्लीकेशन ना तो किसी तरीके का आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, ना कोई एंट्रेंस फीस लेती है, यानी कि बिल्कुल फ्री। जब आपको कुछ देना ही नहीं पड़ रहा तो आपकी जेब से जाएगा क्या, और एक थार जीतने का मौका मिल रहा है। ठीक है ठीक है। तो भैया जैसे जैसे एशिया कप की तारीखें नजदीक आ रही है, वर्ल्ड कप की तारीखें नजदीक आ रही है, इन पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होना हो गया शुरू, क्योंकि भारत ने जो लाइन पकड़ ली है, भारत उस लाइन पे अभी तक अंगद के पैर की तरह अड़ेंगे, और हमारी सिक्योरिटी पे चले सवाल उठाने, बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने सारे साम दाम दंड भेद नीति जो भी लगा सकते थे सब लगा चुके, लेकिन बीसीसीआई अंगद के पैर की तरह जमा हुआ है कि हमने पाकिस्तान जाना ही नहीं है। और नहीं तो क्या, कैसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं। और ये भूखे नंगे कंगले पाकिस्तानी पता नहीं कौन से अहंकार के मद में चूर है, झुकने को तैयार नहीं है भाई। और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट की कुर्बानी देकर ये कीमत अदा कर रहा है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को, वजह यह है कि इंडिया का असर रसूख आईसीसी के अंदर इतना है कि वो अपने फैसले बनवा लेता है। अब मामला यह है कि एशिया कप पाकिस्तान में होना था, वर्ल्ड कप इंडिया में होना था। नजम सेठी साहब ने बोल दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा एशिया कप खेलने के लिए तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। चुके तो सही, तीन बार अपने प्लान तो बदले, लेकिन सुई अभी भी वहीं अटकी है जी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। जहां तक इंडिया की बात है, आईसीसी की लॉबी 95% पैसा वो लगाते हैं, आईसीसी को चलाते हैं। आईपीएल जुआ लीग, जुटाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुटाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका
का कोई मुकाबला नहीं देखा। नहीं, आईपीएल लीग को चलाते हैं तो भाई पैसा लगाते हैं, इंडिया के पास पैसा है तो पैसा लगाते हैं ना भूखे नंगो। तुम तो जहाँ जाते हो वहाँ अपना कटोरा फैलाते हो। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। आईपीएल की पावर क्या है ये अगर मैं बोलूंगा ना तो तुमको लगेगा पता नहीं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ही पाकिस्तानी तुम्हारे मुंह पे जूते मारेगा ना तब तुम्हारे को पता चलेगा कि आईपीएल है क्या। देखिए कि हमारे जैसा पीएसएल वगैरह होती है इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल विंडो नहीं आईसीसी देती है कि जिसमें बहुत से दुनिया के खिलाड़ी नहीं आते इसमें शिरकत करने, वो अपनी सीरीज उनकी चलती रहती है। लेकिन जब आईपीएल हो रही होती है तो दुनिया की सारी टॉप सीरीज जो है वो मौखर हो जाती है और वो आईपीएल में उनके प्लेयर शिरकत कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसका कोई तो एक एंड होना चाहिए, कोई तो इसका अंजाम होना चाहिए। जली ना तेरी भी जली ना। ये यकीनी तौर पर इंडिया की दोहरी पॉलिसी है, इंडिया तो चाहता ही नहीं। अगर इंडिया में हमारे प्लेयर चाह के खेले आईपीएल तो उनके प्लेयरों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर वो पैसे से मुल्क को खरीदते हैं, टीमों को खरीदते हैं या तक एम्पायरों को खरीदते हैं, विकेट तक खराब करा देते हैं, मैं ये यहाँ पर कहने को तैयार हूँ पाकिस्तान इंडिया में जाके इंडिया को हराएगा, डंके की चोट पर रहेगा। आप 2020 वर्ल्ड कप में भी उनको हराया। लेकिन 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 अभी साजिद साहब इनिशिएटिव किस तरह लिया जाए, अगर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो लॉबिंग कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे, क्या उनकी मजबूरी है जो वो नहीं कर पा रहे, कुछ हमें भी बताइए। दोनों मुल्कों की जो आवाम है ना क्रिकेट को देखना चाहती है, मगर कुछ लोग जो उनके करता धरता जो इंडियन लॉबी को चला रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, वो नहीं चाहते पाकिस्तान वहां पर आके खेले, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। यहां पर पाकिस्तान को आज भी पाकिस्तान हुकूमत को, पाक फौज को, हमारे तमाम सेक्रेटरी इदारों को क्रिकेट लवर है, क्रिकेट बैक करते हैं, हमारी क्रिकेट हमारी नसों में, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है रोड ब्लॉक हो जाते हैं, कोई काम कुछ नहीं होता। कह सकता हूँ एशिया कप पूरा पूरा कराची में हो सकता है, कराची की मेहमान नवाजी इतनी अच्छी है, नेशनल स्टेडियम कराची में 2008 में एशिया कप खेला गया था और 2008 में श्रीलंका ने इंडिया को हराया था। इंडिया खेलने से बाहर था, इंडिया पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान अब बहुत आगे चले गया क्रिकेट में। मगर वही बात है, हमें अपने लोगों को आगे आना चाहिए, आईसीसी में लॉबी बनानी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूदा चेयरमैन को सपोर्ट करेंगे। उनका प्लान बहुत अच्छा है, चार बैच अगर पूरे टीम चार्टर तैयार थे कराची में आती है, चार मैच खेल लेती है, साथ में दुबई शारजा में खेल लेते, क्या बुराई है, कोई अच्छा ही है ना। चले उम्मीद अच्छी रखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और ये इजारादारी भी खत्म होगी, हमारी लॉबी बनेगी, हमारे क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको खेलने का शौक भी है। उम्मीद करते हैं के नाखून लेगी और इंशाल्लाह हमारे जरे मुबादला के ज़खायर जब 600 अरब पे जाएंगे ना साजिद भाई तो हम भी आईसीसी को खरीद के दिखाएंगे। यह बात बिल्कुल सही बोली, इनके पास 600 बिलियन डॉलर तो कभी होंगे नहीं क्योंकि इनके पास 6 बिलियन डॉलर नहीं है तो 600 बिलियन डॉलर इम्पॉसिबल। और ऐसे ही ये रोते पीटते रहेंगे, छाती कूटते रहेंगे अपनी। हलवा पकाओ। और ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इसको 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड इस बात का सबूत है। तो फटाफट से इस एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया और कमेंट बॉक्स में पिन भी किया। और लाइक टारगेट रखते हैं 12,000, मामूली बात है, करवा दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।